फ्रेंड्स, आज ओप्पो की लॉन्च इवेंट है इंडिया के अंदर, जहाँ पे वो अपना एक और नया स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 4 एंड 4 प्रो को लॉन्च करने वाले हैं। एंड ये स्मार्टफोन काफ़ी कमाल का होने वाला है। इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही ये स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में, देन हम बात करेंगे इसकी कन्फर्म प्राइस के बारे में कि किस प्राइस सेगमेंट पर स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। तो स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.5 इंच की एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि ऑब्वियसली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, साथ ही 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। और ये जो डिस्प्ले है उसका व्यूइंग एंगल्स काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि ये 3D बॉर्डरलेस डिस्प्ले होने वाली है। तो काफ़ी अच्छे व्यूइंग एंगल्स के साथ में ये डिस्प्ले आती है, साथ ही जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन के बारे में, तो बैक में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिलती है एंड ग्लासी फिनिश देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर, तो स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर 720G देखने को मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन 720G के साथ में स्मार्टफोन आने वाला है, और इसका एक और वेरिएंट आएगा जो कि स्नैपड्रैगन 765G के साथ में आएगा। तो दो वेरिएंट्स में स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, 720G जो कि 4G वेरिएंट होगा और 765G जो कि 5G वेरिएंट होने वाला है। दोनों में ही सिर्फ प्रोसेसर का डिफरेंस होने वाला है, उसके अलावा जो बाकी स्पेक्स है वो सेम होने वाले हैं। साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो क्वाड रियर कैमरे का सेटअप स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है, और जिसका प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, जो कि सोनी के सेंसर के साथ में आता है एंड इसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। साथ ही 60x जूम के सपोर्ट के साथ में आता है, जो कि ऑप्टिकल जूम है, जो कि बहुत ही कमाल की बात होने वाली है। साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो फ्रंट में आपको 32 MP का एक सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी पिक्चर्स लेने में कैपेबल है, काफ़ी अच्छी सेल्फीज़ वगैरह आप इससे ले सकते हैं। साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट को लेकर, तो स्मार्टफोन में आपको 4200mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए ऑब्वियसली 65W का वूक 2.0 चार्जर इनबिल्ट देखने को मिलता है, जो कि 36 मिनट्स में आपके फ़ोन को 0 to 100% चार्ज करने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है और काफ़ी फास्ट ये फ़ोन जो है वो चार्ज होता है। अभी अगर बात करें स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसी के साथ ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड होने वाला है, और कलर ओएस का भी सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि अपग्रेडेबल होने वाला है कलर ओएस 8 के अंदर। उसी के साथ स्मार्टफोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। साथ ही अब बात करें स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में कि किस प्राइस सेगमेंट पर स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो ओप्पो की रेनो सीरीज होती है वो मोस्टली पॉपुलर है कैमरे के लिए। तो स्मार्टफोन में भी आपको काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिलता है, उसी के साथ इसका जो 5G वेरिएंट है वो स्नैपड्रैगन 765G के साथ में आता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो काफ़ी अच्छे स्पेक्स स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 30,000 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये स्मार्टफोन आपको 25,000 to 30,000 के अराउंड ही देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर। वैसे आपको क्या लगता है किस प्राइस सेगमेंट पे स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, आप कमेंट उसमें जरूर से कमेंट करना। एंड अगर ये स्मार्टफोन 720G के साथ में आता है, जो कि इसका 4G वेरिएंट होने वाला है, तो उसकी प्राइस कितनी लेनी चाहिए आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।